वाटर, वाटर साइकिल एंड वाटर यूजेस। क्या आपको पता है पृथ्वी को वाटर प्लैनेट कहा जाता है? पर सवाल ये है कि पृथ्वी को वाटर प्लैनेट क्यों कहा जाता है? आइए इसकी वजह जानते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से रिन्यूड यानी नवीकृत अथवा रिप्लेनिश्ड यानी पुनः पूरित हो जाते हैं, और वाटर एक बहुत महत्वपूर्ण रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हमारी पृथ्वी के सरफेस का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को वाटर प्लैनेट कहा जाता है। अगर वाटर ना हो तो सभी प्राणियों का जीवन जीना असंभव हो जाएगा। 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र में ही जीवन की शुरुआत हुई थी, और आज भी पृथ्वी के 2/3 हिस्से में समुद्र है और इसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स हैं। हालांकि समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है और मनुष्य इसके पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पृथ्वी पर फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% है। करीब 70% पानी अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में है, और इन सभी जगहों की लोकेशन की वजह से इस पानी तक मनुष्य की पहुंच नहीं है। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही मनुष्य के लिए उपलब्ध है और मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने के लायक है। ये 1% फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर के रूप में, रिवर्स और लेक्स के रूप में और एटमोस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में मनुष्य के लिए उपलब्ध है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं 1975 में मनुष्य 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पानी प्रति वर्ष उपयोग करता था। 2000 में मनुष्य द्वारा पानी की खपत बढ़कर 6,000 क्यूबिक किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई, और प्रेजेंट टाइम में मनुष्य द्वारा पानी की खपत और भी बढ़ गई है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक साल में 1200 लीटर पानी वेस्ट करता है? पृथ्वी पर फ्रेश वाटर सबसे कीमती चीज है, इसलिए कहा जाता है कि पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पृथ्वी में पानी ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही पृथ्वी से पानी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी पृथ्वी का पानी ना तो ज्यादा किया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। पृथ्वी पर पानी जितना है हमेशा उतना ही रहता है। पृथ्वी से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, वाटर वेपर बनते हैं, वाटर वेपर ठंडे होकर कंडेंस होते हैं और पानी की ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। इन पानी की ड्रॉपलेट्स को क्लाउड्स कहते हैं। जब ये पानी की ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाती हैं और हवा में तैर नहीं पाती, तब ये प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाती हैं। जो प्रेसिपिटेशन पृथ्वी पर लिक्विड फॉर्म में आता है उसे रेन कहते हैं। बारिश का ये पानी फिर से इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। पानी का ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इस चक्र को वाटर साइकिल कहते हैं। जब ये वाटर साइकिल अच्छी रहती है तो बारिश अच्छी होती है और फसल भी अच्छी होती है, लेकिन जब ये वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और इस वजह से बारिश अच्छी नहीं होती, तब नदियां सूख जाती हैं और सूखा पड़ जाता है। मनुष्य पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, फ्लश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, साफ सफाई के लिए। इन सभी कामों के लिए मनुष्य पानी का इस्तेमाल करता है। मनुष्य और भी कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, जैसे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए इंडस्ट्रीज में पानी का उपयोग बहुत किया जाता है। जलाशय मनुष्य द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लेक होती है जहाँ पानी स्टोर किया जाता है। ज्यादातर जलाशय नदियों में डैम बनाकर बनाए जाते हैं। नेचुरल लेक के जल स्तर को कंट्रोल करने के लिए उसके मुहाने पर डैम बनाया जाता है, और इस तरह नेचुरल लेक से भी जलाशय बनाया जा सकता है। मनुष्य डैम्स के जलाशय द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी मनुष्य पानी का इस्तेमाल करता है। आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से फूड और कैश क्रॉप्स के लिए लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। लोग अपनी लाइफस्टाइल का एक स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए शहरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यही प्रमुख फैक्टर्स हैं जिस वजह से शहरों में फ्रेश वाटर की सप्लाई नहीं हो पाती या फिर कम होती है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ, अक्सर रसायन या सूक्ष्म जीव, किसी जलधारा, नदी, झील, महासागर या अन्य जल निकाय को प्रदूषित करते हैं।
जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और यह मनुष्य और पर्यावरण के लिए विषाक्त हो जाता है। जल प्रदूषण की यह व्यापक समस्या हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। वाटर सोर्सेज जैसे नदी, झील आदि के सूखने की वजह से और वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी फ्रेश वाटर की सप्लाई बाधित होती है। सब्सक्राइब फॉर सच नॉलेजेबल वीडियोज़।